सुनो, पानी ला के देना यार, बहुत थक गया हूँ। अरे यार, मूड भी बहुत मेरा खराब है। कहाँ हो? जल्दी आओ यार, पानी दो ला के, मुझे प्यास लगी है। फ्रिज से निकाल कर पी लो, मैं किचन में काम कर रही हूँ। क्या यार, एक तो ऑफिस में छू लो ऐसे ऐसे कमीनों को, ऊपर से घर पे आओ, सोचो कि आराम मिलेगा, ऊपर से यहाँ भी टेंशन। पानी मांगो, पानी तक नहीं मिल रहा है, खुद पानी निकाल कर पी लो, ये हाल है यार। क्या दिमाग खराब हो जाता है, तो वैसे दिमाग खराब है मेरा इतना ज्यादा, ऊपर से यहाँ आओ, आराम भी नहीं मिलता है। परेशान हो गए हैं यार, पूरा हर जगह, चाहे घर हो चाहे ऑफिस। क्या हुआ जी, बड़े गुस्से में हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ यार, कुछ कमीने आ जाते हैं ऑफिस में रिश्वत दे के काम कराने के लिए, ना करो तो ऊपर से धमकी देते हैं, नहीं करोगे मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। साला सराफत का जमाना ही नहीं यार, पहले जैसे टेढ़े थे तो वैसे होते ना, तो समझ में आता है ऑफिस है। चुप रहा, सुन लिया? जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, कुछ लोग होते ही हैं बुरे। तो हम भी नहीं चुप रहे हैं, हम भी कह दिए, बेटा ऑफिस में है तो चुप है, बाहर होते तो शेर की तरह स्वीकार करते तुम्हारा, और तुम सालो कुत्ते की तरह भागते। समय है बोल लो, बाहर होते तो बताते। निकल गए सब, बाद में मुलाकात होगी। अब वाह वाह, आप कब से इतना शिकार करने लगे? मुझे पता ही नहीं था। कुछ बात तो दीदी को पता नहीं होती, वैसे जब मैं पढ़ाई करता था तो लोग मुझे जॉन भाई के नाम से जानते थे, तब कांपते थे ऐसे कुत्ते की तरह कांपते थे। क्या, इतना बड़ा गुंडा थे आप? हमको पता ही नहीं था। तो क्या, तुम्हें क्या लगा मेरी आवाज सुन के पूरी स्कूल के लोग थर 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 कांपते थे, कुत्ते की तरह कांपते थे, इतना डर था मुझसे। सुधर गया हूँ। अच्छा, तो किसी को जान से मारे हो आज तक? जान से किसी को नहीं मारा हूं, मेरी खौफ से पूरा स्कूल कांपता था। जब मैं गुस्से में आता था तो वहां के लोग तार पकड़ के कहते थे, भैया माफ कर दो हमको, अब गलती नहीं होगी। अच्छा, किसी का पिटाई भी किए थे आज तक स्कूल में? हाँ, एक दिन गुस्सा आया था, एक लड़के को फील्ड में दौड़ा दौड़ा के मारा था, बकरी की तरह हग दिया साले ने। माफी बहुत मांगा पर छोड़ा नहीं, हाथ गोड़ साले का तोड़ दिया। उसी दिन से मेरा खौफ पूरे स्कूल में हो गया। बहुत गुस्सा उस समय से हमको आता था जब कोई मेरे खिलाफ कोई काम करता था। समझ में आया? छोड़ो ये सब बातें, ऑफिस वाली बात तो मैं बाद में बताऊंगा उसे कि मैं क्या था। अभी वो मुझको बहुत शरीफ समझ रहा है, मेरी हिस्ट्री जान जाएगा तो कुत्ते की तरह भाग जाएगा, दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा।